नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्ध भारत न्यूज। आज जनपद जौनपुर में अपराध जांच एजेंसी CIA का उद्घाटन समारोह माननीय सांसद महोदय श्री BP सरोज के कर कमलों से हुआ। साथ में सिकरारा के थानाध्यक्ष महोदय श्री सैयद हुसैन मुंतजर भी मौके पर उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपराध जांच एजेंसी के राज्य प्रभारी श्री राजेंद्र प्रसाद पाठक व जिला प्रभारी श्री रामचंद्र उपाध्याय के साथ साथ जिला प्रभारी ह्यूमन सेल से शीतला प्रसाद तिवारी व श्री प्रकाश यादव ने की, तथा पटना से चंदन कुमार, बाराबंकी से सोनू कुमार, सरोज कुमारी व धनंजय मिश्रा आदि लोग मौके पर उपस्थित रहे। थोड़ा आप लोग सुनिए उसको और समझिए और हमारे आगे सहयोग कीजिए। धन्यवाद आप लोगों को। आज क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, इस संस्था के चेयरमैन है अजय प्रताप सिंह, राज्य प्रभारी श्री राजेंद्र प्रसाद पाठक, जिला प्रभारी हमारे बगल में हैं रामचंद्र उपाध्याय जी, सदस्य शीतला प्रसाद तिवारी, यदुवंश तिवारी और बाराबंकी से आए हुए जिला प्रभारी सोनू जी, सत्येंद्र कुमार जी, राजेंद्र प्रसाद जी, शिव कैलाश मौर्या जी, ये सब सदस्य हैं इस टीम के। और हमारे साथ चल करके आए हमारे भारतीय जनता पार्टी के और रामचंद्र भी यहाँ पर थे, तमाम हमारे भाजपा के कार्यकर्ता भी यहाँ पर आए हुए हैं। आप सभी आए हुए हैं इस कार्यालय के उद्घाटन के शुभ अवसर पर। तो मैं आप सब लोगों को इतना ही बताना चाहूँगा कि यहाँ हमारे ख्याल से मछली शहर और जौनपुर में बहुत कम ऐसे कार्यालय खुले होंगे जी। ये आप बेहतर बता सकते हैं, मेरी जानकारी में तो शायद एक या दो कार्यालय मुश्किल से खुले हुए हैं। और जो जनता की अपेक्षा देखिए, जो पुलिस से जो तमाम क्राइम हो रहे हैं, कभी कभी पुलिस थाने पे आप जाते हैं, पुलिस से अपनी विनती को करते हैं, अपनी बातों को अवगत कराते हैं, तो कई थानों पे, क्योंकि मैं भी डेली जनता दरबार लगाता हूँ, ज़्यादा करके पुलिस का ही विवाद हम लोगों के पास आता है, ज़मीनी विवाद आता है। और पुलिस भी जो है इतना परेशान, चारों तरफ जब क्राइम बढ़ रहा है तो कहीं न कहीं थाने के इंचार्ज भी इधर उधर जो है, या उनके पास स्टाफ की कमी रहती होगी, फिर भी हमारे ज़िले के चाहे जिला अधिकारी हों, चाहे हमारे एसपी महोदय इस समय जो आए हुए हैं, वो तो कई बार जो है उनको पुरस्कार मिल चुका है, इतने बढ़िया जो है SP आए हुए हैं जौनपुर जनपद में, और जिला अधिकारी भी बहुत अच्छे हैं, और हमारी सरकार खुद भी तत्पर है। आप लोगों ने देखा होगा कि 2014 के पहले देश और प्रदेश में जगह जगह बम विस्फोट होता था, जनता की, निर्दोष लोगों की जाने जाती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहाँ की जनता ने स्टेट और प्रदेश में बनाने का काम किया, तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी आप जान रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी उनके कार्यों को जान रहे हैं, तमाम लोग ऐसे संगठन उत्तर प्रदेश में आने का काम किया, और कई गुंडे बदमाश डाल मफिया जितने थे आपके उत्तर प्रदेश में, उनको या तो वो जो है साधु संत बन गए, या तो जो है उनको सही जगह पर जेलों में वो होंगे, या तो प्रदेश छोड़ करके बाहर चले गए हैं, अपराध प्रमुख तो होते जा रहा है। तो आप सहयोग करने के लिए आए हैं, जो आपका क्राइम इन्वेस्टिगेशन का कार्यालय खोला गया है, तो मेरा मानना है कि इससे जो है अपराध में कमी आएगी, आप सब लोग सहयोग करेंगे। और हमारे यहाँ थाना इंचार्ज जो सिकरारा के हैं मुर्तजर जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, वह भी अभी हम लोगों के सामने ही, जैसे मैंने कहा कि अगर हमारे से कोई मदद की ज़रूरत हो, सहयोग की ज़रूरत हो, तो पूरा जिले के अधिकारी, शासन प्रशासन व्यवस्था आप लोगों के साथ है, बशर्ते इसके जो है आड़ में कोई दुरुपयोग का काम नहीं होना चाहिए। क्राइम इन्वेस्टिगेशन का नाम तो आपने दिया है, लेकिन कोई दुरुपयोग इस नाम का ना हो। अगर दुरुपयोग नहीं होगा, अच्छा काम आप लोग करेंगे, तो निश्चित तौर पर यहाँ की जनता, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के चाहे सांसद हों, विधायक हैं, सब आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।